हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिल लॉजी। दोस्तों, मैंने G5 पर फिल्म देखी कायल, जिसका मतलब होता है मछली। और मछली क्या है कि समुद्र या पानी के अंदर ही रहती है, अगर इसे बाहर निकालो तो मर जाएगी। भाई ले दो। कावेरी आगे बढ़ दिसरा मोतंडे बेटो नगला बेटो मंडे नगला तवले दा अंटिच कावेरी। तो अगर लॉजिक कली फिल्म देखोगे आप, तो शायद आपको लगेगा कि अरे कोई ऐसा क्यों करता है, कोई सेंस है इस बात का। लेकिन अगर आप लॉजिक और दिमाग को साइड रख दो और उसके बाद एकदम नॉर्मल ऑडियंस की तरह ये फिल्म देखोगे, तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। मजा आने का कारण है, एक तो इसके गाने, सारे गाने इतने मेलोडियस हैं, प्लस पिक्चराइजेशन, गानों का पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है, प्लस सिचुएशन, जिस जगह पर गाने आते हैं मतलब फिल्म की स्पीड को रोकते नहीं है। और इमोशन जो भी कैरेक्टर इस फिल्म में है, खास करके ये मैडम और एक ये सर, इनके जो परफॉर्मेंस है एक नंबर, मतलब कि दर्द को लेकर जिस तरीके से आंखों से प्रेजेंट किया देखने लायक है। तो पूरी फिल्म 2004 में एक तूफान आया था हिंद महासागर में, तमिलनाडु के आसपास, कन्याकुमारी के आसपास, तो वो बैकग्राउंड में रखा है और उसी के आसपास ये फिल्म बना दी गई है। तो फिल्म पहले प्यार पर है, निब्बा निब्बी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और पहला प्यार में जो पा आधा रहता है ना, क्यों रहता है, इस फिल्म को देखकर आप समझ जाओगे। तो ओवरऑल ये फिल्म अच्छी है, इस फिल्म को आप जरूर 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 देखो, इमोशनल है, यंग टीनेज लड़के लड़कों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और पहला प्यार क्या होता है उसको ये फिल्म अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो इस फिल्म को मैं तो ये कहूंगा कि जरूर जरूर देखो, फुल्ली आप सेटिस्फाई होगे कि आपका डाटा बर्बाद नहीं हुआ। तो दोस्तों, बस इतने के बारे में, जय हिंद, वंदे मातरम।